सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्ढा मूवी के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के बारे में। बिकॉज भाई इस मूवी के रिलीज होने से पहले इसकी काफी सारी मल्टीपल जगह पे स्क्रीनिंग रखी गई थी एंड उधर से भाई इस मूवी के कुछ अपने फर्स्ट रिएक्शन रिव्यूज भी सामने निकल कर आए हैं, जिसमें भाई कुछ सेलिब्रिटीज लोगों को भी इस मूवी को दिखाया गया था एंड उनके भी क्या ओपिनियन सामने निकल कर आए मूवी को लेकर, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो भाई वीडियो को एंड तक देखना एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे देन वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई लाल सिंह चड्ढा मूवी इस साल की आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल प्लस मच वेटेड मूवीज में से एक है। बिकॉज भाई जितना लोग इस मूवी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे उतना ही ज्यादा मूवी कंट्रोवर्सी में भी फंस गई थी। हालांकि भाई इस वीडियो में हम लोग कंट्रोवर्सी की बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे इस मूवी के रिव्यूज की। तो भाई इस मूवी की जो अभी अर्ली रिव्यूज सामने निकल कर आए हैं वो काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। अभी रिसेंटली भाई इस मूवी की अर्ली स्क्रीनिंग हैदराबाद में रखी गई थी, जहां पे भाई साउथ के काफी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए थे, जिसमें भाई आप लोग को अपने नागार्जुन सर एंड चिरंजीवी सर के साथ ही काफी सारे अदर एक्टर भी देखने को मिलते हैं। एंड उधर से भाई इस मूवी के जो रिव्यूज आए थे उसमें भाई नागार्जुन सर ने इस मूवी की भर भर के तारीफ करी थी एंड नागार्जुन सर ने अपने पोर्शन का जो रिव्यू उसको अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट भी करा था, जिधर भाई उन्होंने स्पेशली नागा चैतन्य की भी तारीफ करी थी। मतलब कि उन्हें इस मूवी में नागा चैतन्य का जो वर्क था वो भी अच्छा लगा था, प्लस उनके साथ ही जितने भी लोगों ने इस मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग को अटेंड करा था उन सभी ने इस मूवी में जितने भी कास्ट मेंबर्स थे उन सबकी तारीफ करी थी। बिकॉज सारे एक्टर्स ने अपने रोल को काफी अच्छी तरीके से निभाया है एंड जो भाई अभी तक ओवरऑल रिव्यू सामने निकल कर आया था वो भाई काफी ज्यादा पॉजिटिव था इस मूवी को लेकर। एंड इससे पहले सुकुमार सर जिन्होंने पुष्पा मूवी को डायरेक्ट करा था एंड राजा मौली सर ने भी इस मूवी के एक स्पेशल स्क्रीनिंग को अटेंड करा था एंड उन्होंने भी इस मूवी की जमकर तारीफ करी थी। एंड कोई भी डायरेक्टर भाई किसी अदर मूवी की तारीफ इतनी इजीली नहीं करता है, बिकॉज एट द एंड उनकी भी रेपुटेशन दांव पर लगी होती है। खासतौर से भाई अगर डायरेक्टर राजामौली सर जैसा इंसान है तो जिन्होंने पहले से ही 1000 करोड़ के ऊपर की मूवीज को दे रखा है। प्लस भाई इसी के साथ ही इस मूवी का एक पब्लिक रिव्यू भी सामने निकल कर आया है, जो की आया है भाई उमेश संधू की तरफ से, जो की भाई ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर है एंड उन्होंने भी इस मूवी को देख लिया है। उनके अकॉर्डिंग ये मूवी अभी तक आमिर खान सर की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज में से एक है, जिसको देखने के बाद भाई काफी सारी जो ऑडियंस है वो इमोशनल होने वाली। एंड जितने लोगों ने भी इस मूवी को ट्रेलर के बेसिस पे जज करा था वो लोग इस मूवी को देखने के बाद पूरी तरीके से शॉक भी होने वाले हैं। बिकॉज इस मूवी की जो स्टोरी है वही अपने आप में काफी ज्यादा कमाल है एंड उसके ऊपर अगर आप लोग को आमिर खान सर का परफेक्शन भी देखने को मिल जाए देन आई थिंक भाई उससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। उसी के साथ ही आप लोग को इस मूवी में जो अदर एक्टर भी देखने को मिलते हैं इंक्लूडिंग करीना कपूर, उन सभी लोगों ने अपने किरदार को बखूबी निभाया। दैट्स व्हाई आप लोग को इस मूवी में स्टोरी के साथ ही एक्टिंग वाइज भी कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। उमेश संधू ने इस मूवी को 4 स्टार दिए हैं आउट ऑफ 5। प्लस इसी के साथ ही इस मूवी की जितनी भी स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी उसमें इस मूवी को पॉजिटिव रिव्यूज ही मिले हुए थे। अब सब कुछ डिपेंड करेगा कि भाई जनता पे वो लोग कितना इस मूवी को देखने जाते हैं एंड अगर भाई वो लोग इस मूवी को देखने जाते हैं तो उनको मूवी कैसी लगती है। तो जब मूवी रिलीज हो जाएगी तो उसका रिव्यू करने की भी कोशिश करेंगे। एंड लास्ट में भाई जाते जाते आप लोग बताना हमें से कितने लोग इस मूवी को भाई देखने जाने वाले हो, प्लस आप लोग के हिसाब से जो इस मूवी के साथ हो रहा था जितने भी लोग बोल रहे थे कि इस मूवी को बायकॉट करने को कितना ज्यादा सही है एंड कितना ज्यादा गलत है। आप लोग की जो भी ओपिनियन है आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर सकते हो। अभी कंटली भाई इस वीडियो में बस इतना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस ऑफ।